हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 के पार्ट फर्स्ट में प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। क्या है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है फैमिलियराइजेशन विथ प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि प्लांट को, जो पौधों को, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, मीन्स उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट प्रोटेक्शन में इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता क्या है, एक्चुअल में प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते क्या हैं उसको जान लेते हैं। केमिकल्स आर वाइडली यूज फॉर कंट्रोलिंग डिसीज, इंसेक्ट एंड वीड्स इन द क्रॉप। ठीक है, क्या यूज होता है, केमिकल्स। केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज होता है किसके लिए, डिसीज कंट्रोल करने के लिए, मतलब बीमारी नियंत्रण करने के लिए, इंसेक्ट और वीड्स। ठीक है, जो भी क्रॉप्स में बीमारियाँ या तो खरपतवार या तो कीड़े मकोड़े लगते हैं उनको, उनके रोकथाम के लिए क्या यूज होता है सबसे ज़्यादा, केमिकल्स। ठीक है, दे आर एबल टू सेव अ क्रॉप फ्रॉम पेस्ट अटैक ओनली वेन अप्लाइड इन टाइम। ये सक्षम होते जब इसे समय पे पौधों को दिया जाए। ठीक है, मतलब जो भी केमिकल्स है अगर पौधे को समय से दे दिया जाए तो क्या करेंगे, उसे वो बचा लेंगे। ठीक है, मतलब पौधे को डिस्ट्रॉय होने से, मतलब कि खत्म होने से बचा लेंगे। दे नीड टू बी अप्लाइड ऑन प्लांट्स एंड सॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे और डस्ट। इनके लिए क्या जरूरी होता है कि ये प्लांट, मतलब पौधों को स्प्रे या तो डस्ट के रूप में दिया जाए। ठीक है, मतलब केमिकल के लिए क्या जरूरी है कि केमिकल को पौधों को स्प्रे, मतलब कि बौछार, ठीक है, फुहारा, स्प्रे मतलब फुहारा, ठीक है, या तो डस्ट मतलब धूल टाइप का, ठीक है, मतलब कि पाउडर फॉर्म में। ठीक है, केमिकल्स को पाउडर या तो फुहारा के रूप में पौधों को दिया जाए। ठीक है, द केमिकल्स आर कॉस्टली, जो ये केमिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ठीक है, दे आर फॉर इक्विपमेंट फॉर यूनिफॉर्म एंड इफेक्टिव अप्लीकेशन इज इसेंटियल। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है कि एक उचित रेट में, एक उचित मात्रा में पौधों को दिया जाए। ठीक है, इट इज एसेंशियल टू अप्लाई डीज केमिकल्स इन अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, डस्टर्स एंड स्प्रेयर्स, क्या है, डस्टर्स एंड स्प्रेयर्स आर जनरली यूज फॉर अप्लाइंग केमिकल्स। मतलब कि जो डस्टर्स हैं और स्प्रेयर्स हैं वो उपयोग किए जाते हैं केमिकल्स को पौधों को देने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्प्रेयर के बारे में। ठीक है, स्प्रेयर्स होता क्या है, स्प्रेयर्स इज अ मशीन। स्प्रेयर क्या है, मशीन इज दैट इज एवरीथिंग विच हेल्प अ ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, विच रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट, मतलब कि मशीन वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि मनुष्य की जो एफर्ट होती है, मतलब कि जो मनुष्य काम करता है उसकी मेहनत को कम करे और आसानी से काम को कर दे। ठीक है, तो स्प्रेयर भी क्या हुआ, मशीन हुआ। ठीक है, स्प्रेयर इज ए मशीन टू अप्लाई फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। स्प्रेयर एक मशीन है जो कि फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड, पानी, ठीक है, जो कि फ्लूइड्स को ड्रॉपलेट फॉर्म में बदलता है। ठीक है, स्प्रेयर इज अ मशीन टू अप्लाई फ्लूइड्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। ठीक है, कहने का मतलब कि लिक्विड को हम ड्रॉपलेट फॉर्म में अप्लाई करने के लिए स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। ठीक है, स्प्रेयर इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज। स्प्रेयर कुछ निश्चित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वो क्या क्या है, फर्स्ट वन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। हर्बिसाइड अप्लाई करने के लिए, वीड्स को
खत्म करने के लिए हर्बिसाइड अप्लाई करने के लिए स्प्रेयर का यूज होता है, ऐसे ही दूसरा क्या है फंगीसाइड अप्लाई करने के लिए, ठीक है, टू मिनिमाइज द फंगस डिसीज। और फोर्थ वन क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट, और इंसेक्टिसाइड को भी देने के लिए हम लोग स्प्रेयर का यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट वन क्या है एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑन द प्लांट्स, ठीक है, मतलब कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट को देने के लिए भी स्प्रेयर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्प्रेयर, ठीक है, एक स्प्रेयर है वो क्या क्या कार्य करता है, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं, टू ब्रेक द लिक्विड ड्रॉपलेट्स ऑफ इफेक्टिव साइज, जो लिक्विड रहता है उसे एक उचित ड्रॉपलेट फॉर्म में बदलता है हमारा स्प्रेयर, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट देम यूनिफॉर्मली ओवर द प्लांट, और तब क्या करता है एक उचित साइज में ड्रॉपलेट फॉर्मेट में बदलने के बाद एक यूनिफॉर्मली तरीके से, मतलब उचित तरीके से सभी प्लांटों को देता है, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करता है मीन्स देता है, ठीक है। टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड टू अवॉइड एक्सेसिव एप्लीकेशन, ठीक है, और क्या करता है ये नियंत्रित करता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ लिक्विड, ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारी लिक्विड है वो ज़्यादा मात्रा में किसी पौधे पे ना पड़े, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली तरीके से सभी पौधों पे पड़े, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे स्प्रेयर्स क्लासिफिकेशंस, जो हमारा स्प्रेयर्स है वो कितने प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन पावर सोर्स, ठीक है, पावर सोर्स के आधार पर स्प्रेयर में भी क्लासिफाइड एट टू टाइप्स, ठीक है, स्प्रेयर को दो प्रकार से बांटा गया, किसके आधार पे, पावर सोर्स के, हैंड ऑपरेटेड मशीन, कहने का मतलब कि हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर, ये क्या होता है सुटेबल फॉर स्मॉल होल्डिंग्स, मतलब कि ये छोटे खेत के लिए उचित होता है, दे आर ऑपरेटेड एट प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसमें कितना प्रेशर जनरेट होता है, मतलब कितने प्रेशर पे ये ऑपरेट होता है, 1 to 7 किलोमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे इसे ऑपरेट किया जाता है। और जो हमारा सेकेंड वन है वो है पावर ऑपरेटेड मशीन्स मीन्स पावर ऑपरेटेड स्प्रेयर्स, ठीक है, सुटेबल फॉर ट्रीटिंग अ लार्ज एरिया, ठीक है, ये बड़े खेतों में कार्य करने के लिए मतलब उपयोग किया जाता है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बड़े बड़े खेत होते हैं एरिया होती है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। दे आर ऑपरेटेड एट प्रेशर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऑपरेट करने के लिए 20 से 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे ये ऑपरेट होता है, ठीक है, ये ऑपरेट कितने प्रेशर पे होता है 20 से 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रे, जो हमारा स्प्रे है उसको भी क्लासिफाइड किया गया है, कैसे, फर्स्ट वन क्या है हाई वैल्यूम स्प्रे, ठीक है, हाई वैल्यूम स्प्रे में जब हम स्प्रे को मोर देन 400, ठीक है, मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर अप्लाई करेंगे, ठीक है, पर हेक्टेयर स्प्रे जब हम अप्लाई करेंगे फील्ड में तो वो क्या कहलाएगा हाई वैल्यूम स्प्रे, हाई वैल्यूम स्प्रे मोर देन 400 लीटर पर हेक्टेयर स्प्रे का जब हम लोग यूज करेंगे तो वो हाई वैल्यूम स्प्रे कहलाएगा, 400 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, मोर देन मतलब चाहे 500, 700, 800 लीटर पर हेक्टेयर यूज करेंगे तब भी वो क्या कहलाएगा हाई वैल्यूम स्प्रे, ठीक है। अब एक होता है लो वैल्यूम स्प्रे, इसमें क्या होता है 400 से 5 ओनली 5 400 से 5 केजी पर हेक्टेयर स्प्रे जब हम करते हैं फील्ड में तो वो क्या कहलाता है लो वैल्यूम स्प्रे, ठीक है, 400 से 5 केजी, ठीक है, सॉरी
400 से 5 लीटर पर हेक्टेयर जब स्प्रे करते हैं तो वो क्या कहलाता है, लो स्प्रे लो वैल्यूम स्प्रे कहलाता है, ठीक है। एक है अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम से लेके आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आता रहा है और आएगा भी। तो ये जो अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे है इसकी वैल्यूम कितनी होती है, लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है, लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर, ठीक है। जब स्प्रे वैल्यूम लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर होता है तो वो क्या कहलाता है, अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तीनों में से, ये बहुत सारे जगह आता रहा है और आपके एकेडमिक एग्जाम में भी आता रहा है, तो इसको सभी लोग ध्यान से माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर अगर स्प्रे वैल्यूम यूज होता है तो वो क्या कहलाया, अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे, ठीक है। ये तीन स्प्रे के टाइप्स हैं, हाई वैल्यूम स्प्रे, लो वैल्यूम स्प्रे और अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे। हाई वैल्यूम स्प्रे मोर देन 400 लीटर्स पर हेक्टेयर, लो वैल्यूम स्प्रे बिटवीन 5 to 400 लीटर पर हेक्टेयर, और अल्ट्रा लो वैल्यूम स्प्रे जो है कि लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर होता है स्प्रे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्प्रेयर, ठीक है। हमने पहले तो दो टाइप्स के स्प्रेयर जाने हैं, ठीक है, एक जो हैंड ऑपरेटेड होता है, ठीक है, यहाँ देखिए, और एक जो पावर ऑपरेटेड होता है। फर्स्ट वन क्या था, हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है। तो कुछ स्प्रेयर जो होते हैं हैंड ऑपरेटेड होते हैं और कुछ पावर ऑपरेटेड होते हैं। तो देखा जाए फर्स्ट क्या है, बकेट टाइप स्प्रेयर, इट कंसिस्ट ऑफ अ हैंड ऑपरेटेड सिंगल और डबल एक्टिंग पंप। इसमें क्या लगा रहता है, कंसिस्ट ऑफ अ हैंड ऑपरेटेड सिंगल या डबल एक्टिंग पंप लगा रहता है, विच में बी प्लेस्ड इनटू एनी ऑर्डिनरी बकेट कंटेनिंग स्प्रेइंग सॉल्यूशन, जिसे कि किसी भी साधारण बाल्टी में या तो कंटेनर में रख दिया जाता है, जिसमें कि स्प्रे का सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड फॉर्म में केमिकल्स को मतलब पानी में घोल के केमिकल्स को रखा जाता है, ठीक है, उसमें इसको जो हमारा पंप है रख दिया जाता है, ठीक है। प्लंजर रॉड इज हॉलो एंड सर्व एज द कंप्रेशन चैम्बर, जो हमारा प्लंबर रॉड होता है उसी में क्या होता है, उसी में हमारा प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। लिक्विड डिस्चार्ज इन बोथ सक्शन एंड डिलीवरी स्ट्रोक, हेंस अ कंटिन्यूअस एप्लीकेशन कैन बी मेड, जो हमारा लिक्विड निकलता है उसमें से वो सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, सक्शन एंड डिलीवरी, ठीक है, इन दोनों स्ट्रोक में होता है हमारा डिस्चार्ज, ठीक है, जिससे कि लगातार हमारा डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। वन हैंड ऑपरेट्स प्लंजर, एक हाथ से क्या करते हैं प्लंजर को चलाते हैं, वाइल एनदर हैंड कीप द पंप इन स्टेबल पोजिशन, और दूसरे हाथ से पंप को पकड़कर सीधा रखते हैं, ठीक है। दिस पंप इज मोस्टली मेड ऑफ ब्रास, ये पंप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रास मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। इट इज वेरी लाइट एंड ईजली हैंडल्ड एंड डेवलप्स सुफिशियंट प्रेशर टू स्प्रे स्मॉल गार्डन एंड लो ट्रीज, इट इज वेरी लाइट, या बहुत ही हल्के होते हैं एंड ईजली हैंडल, और इसे साधारण तरीके से चलाया जा सकता है आसानी से, एंड डेवलप्स सुफिशियंट प्रेशर, और इसमें एक उचित प्रेशर भी डेवलप किया जाता है, किसके लिए, टू स्प्रे स्मॉल गार्डन्स, जो छोटे गार्डन होते हैं उसमें उस पर स्प्रे करने के लिए, और लो ट्री जो छोटे पौधे होते हैं। इट डेवलप्स एट प्रेशर ऑफ 4 to 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हमारा बकेट टाइप स्प्रेयर है वो 4 to 10 किलोग्राम सेंटीमीटर प्रेशर पे ऑपरेट होता है, ठीक है। ये हमारा बकेट टाइप स्प्रेयर का डायग्राम है, आप लोग देखिए यहाँ पे
ठीक है, सपोज डेट ये क्या लगा हुआ है, ये क्या बना हुआ है, बकेट एक हमारा बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, एक बकेट है। अब बकेट में हमने क्या रख दिया, अपना पंप रख दिया, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक हाथ से क्या कर रहे हैं, इससे पंपिंग कर रहे हैं और एक हाथ से पकड़ के सीधा रखे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा लास्ट में स्प्रे लेंस है, ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, स्प्रे लेंस, ठीक है, ये नोजल है, ठीक है, जहाँ से डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, ये डिस्चार्ज पाइप है, ये सक्शन पाइप है, ये जो है सक्शन पाइप है, ठीक है। इस डायग्राम में आप लोग और अच्छे समझ में आ जाएगा, एग्जाम में आपको यही डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये क्या है, नोजल है, नोजल स्प्रे है, जहाँ से स्प्रे निकलता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है, ठीक है, ये लेंस कहलाता है, ठीक है, ये डिलीवरी होस मतलब कि डिस्चार्ज पाइप है, ठीक है, ये टाइगर कट ऑफ वाल्व है, ठीक है, इसी की मदद से हम क्या करते हैं, दबा करके इसको डिस्चार्ज को इंगेज करते हैं या तो डिसइंगेज करते हैं, ठीक है, मतलब कि डिस्चार्ज लेना हुआ तो इसको दबा दिए और डिस्चार्ज हमारा होने लगा, ठीक है, ये हमारा हैंडल है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको पंप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं और ये क्या हमारा बकेट असेंबली विथ, ये क्या हमारा बकेट असेंबली है यहाँ पे, ठीक है, ये फुट रेस्ट है, यहाँ पे पैर रखते हैं जिससे कि हमारा स्टेबल रहे। अब क्या है, नैपसैक स्प्रेयर, जो हमारा सेकेंड वन है वो क्या है, नैपसैक स्प्रेयर, इट इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ स्प्रेयर, इज प्रोवाइड विथ अ पंप एंड अ लार्ज एयर चैम्बर, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन टाइप का स्प्रेयर है जो कि जिसमें क्या क्या लगा रहता है, एक पंप और एक बहुत बड़ा एयर चैम्बर लगा रहता है, परमानेंटली माउंटेड इन 9 to 22.5 लीटर टैंक, ये परमानेंटली जो हमारा एयर चैम्बर है वो कहाँ लगा रहता है, एक 9 से 22.5 लीटर 22.5 लीटर के टैंक में लगा रहता है, ठीक है, द हैंडल ऑफ द पंप एक्सटेंडिंग ओवर द शोल्डर आर अंडर द आर्म ऑफ द ऑपरेटर, जो हैंडल लगा रहता है एयर चैम्बर में प्रेशर जनरेट करने के लिए वो कहाँ लगा रहता है, द हैंडल ऑफ द पंप एक्सटेंडिंग ओवर द शोल्डर, शोल्डर के ऊपर या तो ऑपरेटर के क्या हाथ के नीचे, ठीक है, विच मेक इट पॉसिबल टू पंप विथ वन हैंड एंड ईजी स्प्रे विद द अदर हैंड, ठीक है, जिसके कारण से यह संभव होता है कि वह एक हाथ से पंपिंग कर सके और दूसरे हाथ से स्प्रे कर सके, ठीक है, स्प्रे लिक्विड्स इज डिलीवर्ड थ्रू द डिलीवरी सिस्टम, जो स्प्रे लिक्विड होता है वो डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से होता है, कंसिस्टिंग ऑफ लेंस एंड नोजल, जिसमें कि लेंस और नोजल हमारे डिलीवरी सिस्टम में लगा रहता है, विच इज कनेक्टेड विद द पंप, जो कि एक पंप से कनेक्ट रहता है बाई अ फ्लेक्सिबल होज, एक फ्लेक्सिबल पाइप के द्वारा, ठीक है, अ यूनिफॉर्म प्रेशर कैन बी मेंटेन्ड बाई कीपिंग द पंप इन ऑपरेशन, एक यूनिफॉर्म प्रेशर अपने स्प्रेयर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, नैपसैक टाइप स्प्रेयर में कीपिंग द पंप, लगातार पंपिंग करते रहने से हैंड से, ठीक है, हैंडल द्वारा, इट इज जनरली कैरीड ऑन द बैक ऑफ द ऑपरेटर, ये जो चलाता है उसके पीछे, ठीक है, पीठ पे लगा रहता है, ठीक है, इट इज जनरली कैरीड ऑन द बैक ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है, मतलब कि चलाने वाले के पीठ पे लगा रहता है, इट इज क्वाइट यूजफुल फॉर द स्प्रेइंग स्मॉल ट्रीज एंड रो क्रॉप्स अप टू 2.5 मीटर हाइट, यह बहुत ज़्यादा यह मतलब पॉपुलर है, किस चीज़ के लिए, स्मॉल ट्रीज के लिए और रो क्रॉप्स के लिए जिसकी ऊंचाई 2.5 मीटर से कम हो, ठीक है, दीज स्प्रेयर आर यूजफुल बिकॉज ऑफ देयर सिंप्लिसिटी इन ऑपरेशन ड्यूरेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, ये स्प्रेयर जो नैपसैक स्प्रेयर है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत ही सिंपल है, ठीक है, यह बहुत ही सिंपल तरीके से ऑपरेट होता है और ये
बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है। अ प्रेशर ऑफ 3 to 5 के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज मेंटेन्ड इन द प्रेशर चेंबर। 3 से 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चेंबर में जनरेट होता है ऑपरेशन के लिए, ठीक है। ये क्या है, नैपसैक स्प्रेयर का एक इमेज है। देखिए क्या है, ये हमारा हैंडल है, क्या है, ये हमारा पूरा हैंडल है। यहाँ पे हैंड ग्रिप लगा हुआ है, हैंड से पकड़ के क्या करते हैं, अप एंड डाउन करके इसको पंप करते हैं, ठीक है। और ये हमारा पूरा डिस्चार्ज सिस्टम है, जिसमें लेंस लगा हुआ, नोजल स्प्रे लगा हुआ है, कट ऑफ वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये आदमी के बैक साइड मतलब पीठ पे सेट होता है, ठीक है। यहाँ पीछे पूरा ग्रिपिंग दिया हुआ है, बैक की तरह इसको पीठ पे टांगते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में बनाना है अगर आएगा तो, ठीक है। नोजल ऊपर है, स्प्रे लेंस, ये क्या है, पूरा स्प्रे लेंस, ठीक है। जहाँ तक यहाँ से लेके, ठीक है, ये पूरा स्प्रे लेंस है, ठीक है। टाइगर कट ऑफ वाल्व है, क्या ये, इसी के माध्यम से हम स्प्रे करते हैं, ठीक है। डिलीवरी हुज है, मतलब कि डिलीवरी पाइप है ये पूरा, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर हुज कैप है, पानी भरते समय यहाँ पे फिल्टर लगा रहता है, इसमें जब लिक्विड हम छोड़ते हैं तो फिल्टर होके अंदर जाता है। ये पूरा क्या है, टैंक है, ठीक है। प्लंगर रॉड, ठीक है, इसी की मदद से क्या होता है, पंपिंग होती है। तीसरा जो है हमारा फुट ऑपरेटेड स्प्रेयर, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड पेडल पंप। इसे और भी क्या बोल सकते हैं, पेडल पंप। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ प्लंजर असेंबली, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ प्लंजर असेंबली, इसमें एक प्लंजर असेंबली होता है, स्टैंड होता है, सक्शन हुज होता है, डिलीवरी हुज होता है, एंड एक्सटेंशन रॉड होता है विद द नोजल, और एक्सटेंशन रॉड होता है नोजल के साथ। वन एंड ऑफ सक्शन हुज, जो सक्शन हुज का एक छोर है, ठीक है, फिटेड विद द स्ट्रेनर एंड अदर एंड विद फ्लेक्सिबल कपलिंग। जो सक्शन हुज का एक छोर है उसमें स्ट्रेनर लगा रहता है और दूसरा जो है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। सिमिलरली वन एंड ऑफ द डिलीवरी हुज इज फिटेड विद द कट ऑफ वाल्व, और जो डिलीवरी पाइप होती है, हुज होती है, वो एक छोर उसका कट ऑफ वाल्व से कट ऑफ वाल्व लगा रहता है एक छोर पे, एंड अदर इन विथ अ फ्लेक्सिबल कपलिंग, और दूसरा जो है कि फ्लेक्सिबल कपलिंग के साथ जुड़ा रहता है। इन एडिशनल कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू होल्ड स्प्रे फ्लूड। एडिशनल मतलब कि एक लिक्विड, ठीक है, स्टोर करने के लिए, मतलब करने का मतलब है कि पानी जिसमें केमिकल मिला रहता है वो रखने के लिए एक अलग से कंटेनर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एज दिस स्प्रेयर डज नॉट हैव अ बिल्ट इन टैंक, ये स्प्रेयर जो है कि टैंक के साथ नहीं बना हुआ है। कंटिन्यूस पेडलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म स्प्रे, एक यूनिफॉर्म स्प्रे करने के लिए लगातार पेडलिंग करना चाहिए, मतलब पंपिंग करना चाहिए। इट कैन डेवलप अ प्रेशर ऑफ 12 से 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, इसमें 12 से 21 किलोग्राम पर सेंटीमीटर प्रेशर डेवलप होता है। इट इज ईजी टू ऑपरेट, या बहुत ही साधारण तरीके, साधारणली मतलब आसानी से ऑपरेट होता है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर स्प्रेइंग टॉल क्रॉप, और इसके मदद से हम लंबे क्रॉप पे भी स्प्रेइंग कर सकते हैं। एंड फ्रूट ट्रीज अप टू 4 मीटर हाइट, और फलों वाले पौधों पर भी जो 4 मीटर से कम की हाइट की हो या 4 मीटर तक हो, ठीक है। ये क्या है हमारा फुट ऑपरेटेड स्प्रे, ठीक है, मतलब कि पैर से ऑपरेट करने वाला स्प्रे है, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेडल है, यहाँ पे पैर से क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, ठीक है, इस पे पैर रख के, ठीक है। देखो ये जो डिस्चार्ज हुज है, ठीक है, इसका एक पार्ट जो है यहाँ पे कट ऑफ ट्रिगर से, कट ऑफ ट्रिगर लगा हुआ है एक पार्ट में, ठीक है,
और जो हमारा सक्शन होज है उसमें एक में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेनर लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या है हमारा चौथा, रॉकिंग स्प्रेयर, ठीक है, रॉकिंग स्प्रेयर। दिस टाइप ऑफ स्प्रेयर कंसिस्ट ऑफ अ लीवर ऑपरेटेड पंप असेंबली विच रेस्ट ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। इस टाइप के पंप में क्या लगा रहता है, लीवर ऑपरेटेड पंप होता है, जो कि लीवर ऑपरेटेड पंप असेंबली होता है, जो कि एक लकड़ी के फ्रेम पे लगा होता है। सक्शन हुज विथ अ स्ट्रेनर इज इमर्ज इन अ सेपरेट कंटेनर कंटेनिंग द स्प्रे लिक्विड। जो हमारा सक्शन पाइप होता है या सक्शन हुज होता है वो स्ट्रेनर जिसमें लगा रहता है वो एक अलग से लिक्विड कंटेनर होता है, मतलब कि पानी और केमिकल का मिश्रण रखने के लिए एक बर्तन होता है, या बाल्टी या कुछ भी बोल दें उसको, बकेट कुछ भी हो, उसमें जाके ये हमारा जो सक्शन हो जाए स्ट्रेनर के साथ उसमें डालते हैं, ठीक है। डिलीवरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सेपरेट प्रेशर चैम्बर। जो हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है वो अलग से एक प्रेशर चैम्बर उसमें लगा होता है। अ फ्लेक्सिबल हुज और डिस्चार्ज, जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें आसानी से मुड़ने वाले पाइप लगे रहते हैं। स्प्रे लेंस लगा रहता है, लेंस तो हमने बता ही दिया आप लोगों को, स्प्रे लेंस जो डिस्चार्ज हुज से लेके स्प्रे नोजल तक जो पार्ट रहता है उसे ही क्या बोलते हैं, स्प्रे लेंस एंड अ स्प्रे नोजल, ठीक है। द लीवर अटैच टू द पंप इज ऑपरेट बाय द रॉकिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द हैंडल। द लीवर अटैच टू द पंप, जो लीवर रहता है वो पंप से अटैच रहता है और इस पंप को बैकवर्ड या तो फॉरवर्ड करके पंपिंग करते हैं। प्रेशर इज डेवलप्ड इन द प्रेशर चैम्बर विच मे अटेंड प्रेशर ऑफ 14 से 18 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्रेशर चैम्बर में प्रेशर जनरेट होता है वो कितना होता है, 14 से 18 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सच स्प्रेयर आर यूज फॉर स्प्रेइंग टॉल प्लांट्स। इस टाइप के स्प्रेयर किस लिए उपयोग किए जाते हैं, लंबे वाले पौधों के लिए किए जाते हैं स्प्रे करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कोकोनट ट्रीज, ठीक है, कोकोनट ट्रीज एंड शुगर केन प्लांट्स, ठीक है। यूनिफॉर्म स्प्रेइंग कैन बी डन इफ द सफिशियंट प्रेशर इज मेंटेन इन द प्रेशर चैम्बर। जो एक उचित स्प्रेइंग है वो कैसे संभव है, जबकि प्रेशर चैम्बर में प्रेशर को मेंटेन किया जाए, ठीक है। इट नीड्स टू पर्संस टू ऑपरेट द स्प्रेयर। इस स्प्रेयर को चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, वन फॉर ऑपरेटिंग द पंपिंग सिस्टम, एक जो पंपिंग सिस्टम को ऑपरेट करेगा, क्या करेगा, पंपिंग करेगा, एंड अनदर फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द स्प्रे लिक्विड, और दूसरा जो कि स्प्रेइंग का कार्य करेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा डायग्राम है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, इसमें एक ये लीवर लगा हुआ है, ठीक है, ये लीवर कैसा है, इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, इस डायरेक्शन में पंपिंग करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नोजल से लेके डिस्चार्ज हुज तक जो पार्ट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रे लेंस, ठीक है। ये क्या हमारा कट ऑफ ट्रिगर है, ठीक है, डिलीवरी हुज है मींस डिलीवरी पाइप है, ठीक है। सक्शन हुज है मींस सक्शन पाइप है, जो कि कंटेनर से, यहाँ पर मान लो कंटेनर है, कंटेनर से क्या करता है, लिक्विड को सक्शन मतलब सक करता है, खींचता है, ठीक है। ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, किस चीज़ का, लकड़ी का बना हुआ, ठीक है। ये क्या है, पंप असेंबली है, इसमें पिस्टन और सिलेंडर लगे हुए हैं जिसे पंपिंग करते हैं, तो प्रेशर जनरेट होता है, क्लोज डिलीवरी स्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे और ये तो पता ही है, प्रेशर विजल है, ठीक है। एक ये भी डायग्राम है, इसमें भी अच्छे से चीजें दर्शाई गई है, लेकिन कंपोनेंट का नाम लिखा नहीं गया है, ठीक है। अब क्या है पांचवा हमारा, जो है कंप्रेशन स्प्रेयर। इन दिस टाइप ऑफ स्प्रेयर एयर इज कंप्रेस्ड इन टू द कंटेनर बाई द कंप्रेशन एयर पंप, ठीक है। इस प्रकार की स्प्रेयर में
एयर को मतलब हवा को कंप्रेस किया जाता है, कहाँ पे? कंप्रेशन पंप द्वारा, ठीक है, कंटेनर में, इनटू द कंटेनर बाय द, हवा को कंटेनर में कंप्रेसर पंप के द्वारा कंप्रेस किया जाता है। व्हेन सफिशिएंट प्रेशर इज डेवलप्ड, जब एक उचित प्रेशर उसमें पैदा हो जाता है तब क्या करते हैं, देन द डिलीवरी सिस्टम इज ऑपरेट टू ऑब्टेन स्प्रे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, तब डिलीवरी सिस्टम को अपने डिस्चार्ज सिस्टम को ओपन करते हैं इस लिक्विड को ड्रॉपलेट फॉर्म में स्प्रे करने के लिए। द कंप्रेस्ड एयर फोर्स द लिक्विड थ्रू द नोजल एंड द डिचार्ज टाइप ऑफ स्प्रे इज अचीव्ड। द कंप्रेस्ड एयर फोर्स द लिक्विड, जो हमारा कंप्रेस्ड एयर होता है वो क्या करता है, लिक्विड को फोर्स करता है थ्रू द नोजल, नोजल के द्वारा, ठीक है, नोजल के माध्यम से कंप्रेस्ड एयर लिक्विड को फोर्स करता है। एंड द डिचार्ज टाइप ऑफ स्प्रे इज अचीव्ड, और जैसा हम स्प्रे चाहते हैं वैसा हमें मिलता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द टैंक इज यूजली फिल्ड टू 3/4 ऑफ इट्स कैपेसिटी, इसके लिए जो हमारा टैंक है उसको, अगर ये टैंक है तो इसको तीन हिस्सा भरना चाहिए, एक हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लिविंग 1/4 वॉल्यूम फॉर द कंप्रेस्ड एयर, और एक चौथाई हिस्सा किसके लिए छोड़ देना चाहिए, कंप्रेस्ड एयर के लिए, ठीक है। जिसमें मान लो ये पूरा हमारा टैंक है और इसी में हमारा लिक्विड भी है, मतलब पानी का मिश्रण भी, पानी और केमिकल का मिश्रण भी है, तो हम क्या करेंगे, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, ठीक है, मतलब तीन हिस्सा पानी द्वारा भर देंगे और एक हिस्सा क्या करेंगे, कंप्रेस्ड एयर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, कंप्रेस्ड एयर, ठीक है। द एयर पंप इज फिटेड वर्टिकली इनसाइड द कंटेनर विच एक्ट एट द फोर्स पंप, जो एयर पंप होता है वो वर्टिकली इसी कंटेनर के अंदर फिट रहेगा जो कि फोर्स पंप के रूप में कार्य करता है। कंप्रेशन स्प्रेयर आर फर्दर क्लासिफाइड एट फॉलोइंग टाइम, जो कंप्रेशन स्प्रेयर है उसे भी क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से है, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर, ठीक है। हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर मतलब कि वर्टिकली कंटेनर ही रहेगा, इसमें जो हम पंपिंग करेंगे वो हाथ के द्वारा करेंगे, ठीक है। क्या है, बिफोर स्प्रेइंग बाय दिस स्प्रे, ठीक है, स्प्रेइंग करने से पहले इस स्प्रे को, इस स्प्रेयर को, द प्रेशर इज डेवलप्ड बाय द पंपिंग एयर इनटू द चैम्बर बाय हैंड, ठीक है, हाथ के द्वारा प्रेशर जनरेट करते हैं चैम्बर में, ठीक है, एंड कंटिन्यू टिल द सफिशियंट प्रेशर इज बिल्ट, और लगातार करते रहते हैं जब तक एक उचित प्रेशर कंटेनर में जनरेट ना हो जाए। व्हेन द सफिशियंट प्रेशर इज डेवलप्ड, जब उचित प्रेशर बन जाता है कंटेनर, देन द डिलीवरी सिस्टम इज ओपन टू ऑब्टेन स्प्रे इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, और तब अपने डिलीवरी सिस्टम को खोलते हैं, एक जैसा हमें स्प्रे चाहिए उस तरीके का स्प्रे पाने के लिए, ठीक है। द टैंक कैपेसिटी इज यूजली 14 लीटर, टैंक की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 लीटर का एक टैंक होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंट पंपिंग मस्ट बी डन टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रेशर, और लगातार पंपिंग, ठीक है, लगातार नहीं, फ्रिक्वेंटली कुछ देर के बाद फिर से पंपिंग करते हैं, क्योंकि प्रेशर चैम्बर में जो कंटेनर है उसमें प्रेशर बना रहे, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा कंप्रेशन स्प्रेयर टाइप में, दूसरा है फुट कंप्रेशन स्प्रेयर, ठीक है, सेम वही सिस्टम है, इसमें बस प्रेशर क्या है, जो प्रेशर चैम्बर है, जो हमारा पंप है उसको पैर से ऑपरेट करते हैं, बाकी सारी चीजें वही है, ठीक है। ये क्या है हमारा फुट ऑपरेटेड कंप्रेशन स्प्रेयर, ठीक है, फुट ऑपरेटेड कंप्रेशन स्प्रेयर, ठीक है, इसको पैर से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा हैंड ऑपरेटेड कंप्रेशन स्प्रेयर, ठीक है, इसको हाथ से ऑपरेट करते हैं। अब क्या है, जो हमारा सेकेंड वन है वो क्या है, हैंड एटोमाइजर। हैंड एटोमाइजर क्या होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ हैंड स्प्रेयर यूज टू ट्रीट द प्लांट इन होम गार्डन और द नर्सरी एंड टू अप्लाई फ्लाई स्प्रे इन द हाउस, ठीक है। ये बहुत ही छोटे प्रकार का स्प्रेयर है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं,
ट्रीट द प्लांट्स इन होम गार्डन, जैसे कोई घर पे हमने छोटे छोटे पौधों का बगीचा लगा रखा है वहाँ पे करते हैं, नर्सरी में करते हैं इसका उपयोग। और अप्लाई फ्लाई स्प्रे इन द हाउस, और फ्लाई स्प्रे के लिए घरों में फ्लाई स्प्रे करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और आप लोग इसका उपयोग और एक जगह देखे होंगे, जो बार्बर्स रहते हैं, जो बाल काटने वाले नाई होते हैं, वो लोग यहीं कौन सा स्प्रे यूज करते हैं, हैंड एटोमाइजर, ठीक है। अब क्या है पावर स्प्रेयर, ठीक है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे हैंड या पैर, मतलब कि ह्यूमन पावर से चलने वाला, तो अब हम क्या करेंगे मशीन पावर से चलने वाले स्प्रेयर के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर स्प्रेयर्स आर ऑपरेटेड यूजली विथ आईसी इंजन, मतलब इंटरनल कंबसन इंजन। जो पावर स्प्रेयर होता है वो जनरली इंटरनल कंबसन इंजन के माध्यम से चलता है। द प्रेशर पंप इज ऑपरेटेड बाई अ स्मॉल पावर यूनिट इंश्योरिंग अ कॉन्स्टेंट स्टडी प्रेशर। द प्रेशर पंप ऑपरेटेड बाई स्मॉल पावर यूनिट, जो प्रेशर पंप रहता है वो एक छोटे से पावर यूनिट के द्वारा चलता है, किसके लिए, फॉर कॉन्स्टेंट स्टडी प्रेशर, जिससे कि एक लगातार, ठीक है, एक उचित प्रेशर बना रहे। दीज स्प्रेयर आर इसेंशली हाई वैल्यूम स्प्रेयर्स एंड ऑपरेटेड प्रेशर रेंज फ्रॉम 20 से 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए उपयोग होते हैं, हाई वैल्यूम स्प्रे के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और इसके लिए प्रेशर कितना चाहिए, 20 से 55 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दीज मशीन्स आर यूजली पोर्टेबल टाइप, या मशीन पोर्टेबल टाइप के होते हैं, मतलब ऐच्छिक जगह पे घुमाने के लिए होते हैं, मतलब जहाँ पे चाहे वहाँ पे लेके चले जाएं। समटाइम्स पावर स्प्रेयर आर ऑपरेटेड बाय द पीटीओ शाफ्ट, लेकिन कभी कभी जो पावर स्प्रेयर होता है वो पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से भी चलता है, ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट के माध्यम से। पावर स्प्रेयर कैन कवर मच लार्जर एरिया एंड डू द जॉब इफिशियंटली। जो पावर स्प्रेयर होता है वो बहुत ज़्यादा एरिया एक दिन में कवर, मतलब कि टाइम की रिकॉर्डिंग, टाइम के कंपेरिजन में जो पावर स्प्रेयर होता है बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग करता है, ठीक है, कम समय में, ठीक है। ये डायग्राम है पावर स्प्रेयर का, ठीक है, इमेज है। ये क्या है, एक छोटा सा आईसी इंजन लगा हुआ है जिसके माध्यम से ये हमारा स्प्रेयर ऑपरेट किया जाएगा, और ये कैसा है, पोर्टेबल टाइप का है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज स्प्रे के बारे में, स्प्रेयर्स के बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ में आया होगा, और जो कुछ भी नहीं आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम आपको क्लियर करेंगे। इसके अगले क्लास में हम लोग डस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डस्टर्स होता क्या है, किस लिए उपयोग होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।